उज्जैन के बड़नगर में भाटपछलाना थाने के अंतर्गत एक बच्ची की लाश मिली थी, जिसमें धाकड़ समाज के लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों और प्रभारी मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा था। वहीं अब इस मामले का खुलासा हो चुका है, जिसमें बच्ची के नाना के घर काम करने वाले नौकर ने ही इस वारदात को अंजाम दिया था। देखिए खास रिपोर्ट। दरअसल उज्जैन के भाटपछलाना थाना क्षेत्र के ग्राम खड़ावदा में अपनी नानी के घर पर रह रही एक नाबालिग किशोरी की सोयाबीन की बोरियों के बीच लाश मिली थी। इस घटना को लेकर धाकड़ समाज ने जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की थी। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया कि दो दिन पूर्व जिले के भाटपछलाना थाना क्षेत्र अंतर्गत खेड़ावदा में 13 वर्षीय बच्ची की अर्धनग्न अवस्था में घर में लाश मिली थी। वारदात लड़की के नाना की दुकान में काम करने वाले नौकर ने ही की थी। पुलिस के अनुसार आशंका है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म भी किया गया था, लेकिन यह मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो कि घर में ही किसी के नहीं होने की स्थिति में घुसा था और उसने इस दौरान इस वारदात को अंजाम दे दिया। दो तारीख को भाटपछलाना थाने के खड़ावदा गांव की घटना है। एक बालिका जिसके घूमने की रिपोर्ट परिजनों ने की थी, और उसके बाद जब उसकी तलाश की गई तो परिजनों को वो बालिका अपने घर के ही एक कमरे में मिली थी। इस आधार पर जब पुलिस की टीम को वहाँ पहुँची और पूरा मुआयना किया, तो जिस अवस्था में लड़की थी उससे निश्चित तौर पर एक सेक्सुअल असॉल्ट विथ मर्डर की संभावना बनी थी। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए एडिशनल एसपी श्री आकाश भूरिया, एसडीओपी पुष्पा प्रजापति और टीआई संजय वर्मा और हमारी एफएसएल टीम और जो हमारी टेक्निकल टीम है उनको तत्काल मौके पर रवाना किया गया। मैंने खुद वहां जाकर जब देखा तो ये स्पष्ट हुआ कि घटना 9:27 के दौरान हुई है। इन 27 मिनट के स्लॉट में कौन व्यक्ति वहाँ आ सकते हैं, इस आधार पर हमने पूछताछ प्रारंभ की और इसमें हमारे पास लगभग 5 से 6 संदेही सामने आए। घटना का जो एग्जिट रूट था उससे भी स्पष्ट था कि आरोपी को कहीं ना कहीं कुछ चोट की संभावना है। इस आधार पर हमारा जो आरोपी अभी जो मिला है उसे जब पूछताछ प्रारंभ करनी शुरू की तो उसने घटना स्वीकार की और ये पहले उनके यहाँ मजदूरी का भी काम किया करता था और जानता था। उसके जो उनके मतलब के नाना है उसके साथ उनके यहाँ काफ़ी काम किया, अभी भी किसी एक मेड़ के काम को लेकर उनके पास पहुँचा था। और चूंकि उसको उस पूरा पैटर्न मालूम था कि 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में ये घर में सुना रहता है, इसको तो गया और उसके बाद लड़की जैसे ही सामने आई तो उसके साथ इस तरह का घटनाक्रम किया, उसने पूरी घटना को स्वीकार किया है। हम पूरी वैज्ञानिक साक्ष्य और जो तकनीकी साक्ष्य एकत्र कर रहे हैं और इस प्रकरण को पूरा फास्ट ट्रैक में ले जाएंगे और चिन्हित अपराध की श्रेणी में ले जाएंगे और कोशिश करेंगे इस वजह प्रकरण का जल्दी ही न्यायालय से निराकरण करके आरोपी को सजा दिलाई जा सके। अभी उसका जो कन्फेशन है उसमें उसने यही कहा है कि वह चोरी के इरादे से गया था और इसके बाद उस लड़की चूंकि सामने आ गई तो वह घटना पुलिस ने निश्चित तौर पे ये एक बड़ा घटनाक्रम और संवेदनशील घटनाक्रम था। इसमें क्योंकि मेरी अपनी एक लिमिट है कि इससे ऊपर नहीं कर सकता, ये पूरी टीम के लिए मैं आईजी साहब के पास प्रतिवेदन भेजूंगा, आईजी साहब से उनको इनाम दिलवाऊंगा ताकि अच्छा इनाम मिल सके। और इस पर जो गजेटेड अफसर हमारे साथ काम किए, एडिशनल एसपी एसडीओपी पुष्पा प्रजापत, एसडीओपी बड़नगर, इन सबको भी प्रशस्ति पत्र दिलाऊंगा। घटना का खुलासा करने में पुलिस अधीक्षक महोदय सत्येंद्र कुमार शुक्ला के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया, एसडीओपी बड़नगर रविन्द्र गोयल, एसडीओपी खाचरौद पुष्पा प्रजापति, थाना प्रभारी संजय वर्मा, निरीक्षक मनीष मिश्रा, रविंद्र यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, बड़नगर।